करेंगे तो कटेंगे। जो इनकाउंटर वाले हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अपने पवन पांडे का। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एवर हिंदुस्तान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में दिनों सरगर्मी छाई हुई है। सियासी पारा हाई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव कोई साधारण उपचुनाव नहीं है। दरअसल ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का, जिसको फाइनल हम कह सकते हैं, उस फाइनल चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेंगे और इसी पर लगातार जोर आजमाइश हो रही है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हो या फिर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार बयानबाजी करके और साथ ही ग्राउंड पर उतरकर जनता को, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की हरदोई की गोपा मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक श्याम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बेबाकी से आज इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछेंगे। श्याम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एवर हिंदुस्तान पर और आपको मेरा बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, आपकी पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। इस जीत के बाद ये नारा हर चुनाव में, महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां की तैयारियां हो रही है, वहां पर भी पूरी धमक के साथ ये नारा गूंज रहा है, लेकिन इसकी काट में पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक कुशल प्रशासन में हिंदू एकता के साथ में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और विपक्ष तो अपने नारे और अपनी तैयारी करती है, किंतु हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मजबूत किया है और विकास के जो काम किए हैं, उनके बल पे हम उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव था श्याम प्रकाश जी, उसमें आपकी पार्टी को उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई जितना नारा दिया जा रहा था खिसक के साथ कि हाँ 400 पार, अब की बार 400 पार ये बात कही जा रही थी। आपको लगता है कि जातियों में जो आपका वोट बट गया, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला? समाजवादी पार्टी की सीटें आपकी पार्टी से बहुत ज्यादा हो गई। आप राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय चुनाव था ये, लेकिन क्षेत्रीय दल आपसे बाजी मार गया। देखिए, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता और हम लोग कुछ गलतफहमी में चुनाव लड़े पिछड़ा और जिसका हमें नुकसान हुआ, और आगे भविष्य में होने वाले चुनाव में हम इन सब गलतियों को नहीं दोहराएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कैसे टैकल करेंगे, क्या आज आपकी उपलब्धियां हैं? क्योंकि देखिए, आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है श्याम प्रकाश जी, 2027 की तैयारी भी शुरू हो गई है और अखिलेश यादव की तरफ से पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने पोस्टर लगा दिया 27 का सत्ताधीश, उनका निशाना सीधे सीधे 2027 का विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या उपलब्धियां हैं? गोपा मऊ की जनता जिसने आपको 5 बार विधायक बनाया, वो एक बार फिर से 6ठी बार आपको, एक तरीके से कहा जाए तो डबल हैट्रिक, ये आपको क्यों दे? क्या आपकी उपलब्धियां हैं आज जनता को आप बताइए दो शब्दों में। देखिये, गोपा मऊ विधानसभा में हमने अपने कार्यकाल में यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया है, पॉलिटेक्निक बनवाया है और तमाम सड़कों का जाल और लाइटों का जाल बिछाने, गांव गांव बिछाने का काम किया है और हम जनता के दुख दर्द में हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, जिसके कारण जनता हमसे सीधे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी है और पार्टी के आधार पर भी हम मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक साथ ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार को लेकर बात की जा रही थी आपकी पार्टी की, जो प्रतिद्वंदी पार्टी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तमाम जो दल है वो कहते हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर उछाले रहते हैं, आप लोग शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, आप लोग 80 बनाम 20 की बात करते हैं, लेकिन रोजगार को लेकर आपकी पार्टी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं कर पाई है, इसको कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, तमाम सरकारी नौकरियां हमारे इस सरकार ने निकाली है, जिसमें पुलिस भर्ती से लेकर तमाम विभागों में नौकरी दी जा रही है, दी जा चुकी है और तमाम प्रोसेस में है जिनको जल्दी ही नौकरी मिलने वाली है, तो रोजगार की जो शिकायत और समस्या है वो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में समाप्त होने वाली है। लेकिन आप पर आरोप ये लगता है कि आपका बुलडोजर बहुत ज्यादा धमक के साथ चल रहा है, जहां देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका झुकाव विपरीत विचारधारा की तरफ है, सपा की तरफ है, बसपा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, वहां पर आपका बुलडोजर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अगर जो अपराधी या फिर दोषी या फिर आपको कहें आरोपी है, अगर उसका संबंध किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से होता है तो आपका बुलडोजर खामोश रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये विपक्षी दल का प्रोपोगंडा है।
बुलडोजर जो है निश्चित ही अपराधी के घरों पे चलता है, वो किसी भी जात या धर्म से है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ये बात सच है कि इसमें एक विशेष समुदाय के लोग ज्यादा आते हैं, उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि समुदाय के लोग ज्यादा अपराध करते हैं, दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा अपराध करते हैं इस वजह से ज्यादा बुलडोजर चलता है, आप दलील दे रहे हैं। यहाँ पर एक जो ज्यादा अपराध करेगा उसी के यहाँ बुलडोजर चलेगा, वो चाहे किसी भी जाति हो धर्म से हो। लेकिन आरोप लगता है कि आप लोग टारगेट करते हैं जानबूझ के। नहीं ऐसा नहीं है, ये विपक्षियों की साजिश है जिसमें ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमारी सरकार की तरफ से और योगी जी की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी जात धर्म के आधार पर बुलडोजर चले, वो अपराधी और अपराधियों के कार्यों के आधार पर बुलडोजर चलता है। लेकिन श्याम प्रकाश जी, बात होती सबका साथ सबका विकास की, कि सबका साथ लेंगे सबका विकास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट देने का नंबर आता है, अभी हम इस उपचुनाव को ही ले लें, तो समाजवादी पार्टी की ओर से 9 टिकटों में से 4 टिकट अल्पसंख्यकों को दिए गए, मुस्लिमों को दिए गए, आपकी तरफ से कोई टिकट नहीं आया। टिकट जात धर्म के आधार पर नहीं, टिकट जिताऊ प्रत्याशी को पार्टी देती है। निश्चित ही यदि मुस्लिमों को हम टिकट देंगे तो वो अपनी बिरादरी का, अपने धर्म का, अपनी जात का वोट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लेने में सक्षम नहीं है। यदि हम उनको ज्यादा टिकट देंगे या टिकट देंगे तो हमारा प्रत्याशी हार जाएगा, इस वजह से हम उनको प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। किंतु सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें मुस्लिमों को बराबर सुविधाएं दी जा रही है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनमें पूरी तरह से उनकी भागीदारी उनको हम दे रहे हैं। लेकिन श्याम प्रकाश जी, पीडीए को लेकर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 3 पर ही उनका फोकस है, इसको लेकर वो ये भी बात करें कि जाति जनगणना होनी चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत गर्म मुद्दा है ये, आप जानते हैं, और इसको आरक्षण से भी जोड़ा जाता है कि जातियों को उनका जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। मैंने सुना है आप इसको लेकर बहुत मुखर राय रखते हैं, आपको क्या लगता है कि समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना पे सरकार धीरे धीरे कार्य कर रही है और निश्चित ही आगे इस पे काम होगा और होना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। अभी आप जाति जनगणना होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी से एक राष्ट्रीय पार्टी के विधायक हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें जो केंद्र में सत्ता में ज्यादा समय तक रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही जाति जनगणना को लेकर एक स्पष्ट राय रखने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जो आपकी पार्टी है वो भी इसको लेकर, देखिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई हुई है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तो इंदिरा गांधी जी ने, जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने तो लाल किले से कहा कि जातियों में नहीं बटना चाहिए। योगी जी भी कह रहे हैं कि तो बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में नहीं बटना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, तो जब नारों में ये है तो फिर ये जाति जनगणना कैसे हो पाएगी? जाति जनगणना का आधार बटना और बंटवारा नहीं, जनगणना से उस वर्ग समुदाय को सुविधाएं और आरक्षण देने पे विचार होना चाहिए। लेकिन इसके जो वर्ग, जो समुदाय, जो वर्ग अभी आरक्षण से या सुविधाओं से वंचित है, जनगणना के आधार पे उनको, उनकी काउंटिंग करके, उनकी गणना करके, उनको भविष्य में सरकार की तरफ से ज्यादा सुविधाएं देकर उनको ऊपर उठाने का काम करना का प्रयास करना है। कि अभी तक जो आरक्षण का प्रावधान है उस आरक्षण की व्यवस्था के तहत जिनको सही मात्रा में, सही तरीके से और जो वाकई में लायक है उन लोगों तक अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है, आपको लगता है इस व्यवस्था में कुछ खामी है, इसमें सुधार करने चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, हमारी सरकार जो आवश्यक जहां है, जिस वर्ग को आवश्यकता है उसी को बिना किसी भेदभाव के उसको आरक्षण की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और दिया जा रहा है। अच्छा एक चीज और, अभी एक मदरसा बोर्ड को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया है, हालांकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको लेकर संवैधानिक करार दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है कि नहीं सब कुछ ठीक है, 2 एक छोटी मोटी खामियां थी उनको दुरुस्त कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि बच्चों को, आपके क्षेत्र के बच्चे, मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं, आपके क्षेत्र के बच्चे वो मदरसे में पढ़ने जाने चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम हाईली क्वालिफाइड कॉन्वेंट स्कूलों में जाने चाहिए? उन मदरसों में विशेषकर, सभी में नहीं मगर ज्यादातर मदरसों में मेरी जानकारी के हिसाब से जी। वो एक धर्म के आधार पे उनको शिक्षा देने का प्रयास, तालीम दी जाती है जो कि भविष्य में समाज के लिए उचित नहीं है। और निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश स्कूल जो है वो अच्छे हैं और उन्हीं में ज्यादातर बच्चे पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। शबका जी बहुत बेबाकी से आप हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपकी पार्टी के ही असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा सरमा, उन्होंने तो अपने राज्य में
एनआरसी की भी बात कर रहे हैं, वो सीए की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने मदरसों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। वो मदरसे बंद करवा रहे हैं और उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं जहां पर उनको आधुनिक शिक्षा मिल रही है, जहां वो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए? जहां आवश्यक है वहां ऐसा होना चाहिए निश्चित ही। एनआरसी और सीए जैसे कानून, सीए तो खैर लागू हो ही गया है, एनआरसी जैसी व्यवस्था किस देश में घुसपैठिए घुस आए अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, इसको लेकर एनआरसी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, देश के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी घुसपैठिए देश में आए ये उचित नहीं है, देश के लिए ये घातक है और खतरनाक है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ स्टेट है, उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था जो बाद में कटकर उत्तराखंड बना। उत्तराखंड में आपकी पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा इस बात को लेके 2022 का कि वो अगर जीतेंगे तो समान नागरिक संहिता उसको आप बनाएंगे, और उन्होंने उसको लेकर अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया। समान नागरिक संहिता पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बन भी गई है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी पहल होनी चाहिए? आप मांग करेंगे विधानसभा में या पार्टी फोरम पर? नहीं, हम तो मांग नहीं करेंगे, पार्टी जो उचित होगी वो पार्टी और सरकार के हिसाब से उसका निर्णय लिया जाएगा। चलिए, आप एक आखिरी सवाल मैं आपसे और यहाँ पर श्याम प्रकाश जी पूछना चाहूंगा एक बार फिर से, क्योंकि आपकी क्षेत्र की जनता आप पर भरपूर प्यार बरसा रही है और उसी का नतीजा है कि आपके नाम के आगे 5 बार का विधायक ये एक शीर्षक लगा हुआ है। ये यूं भी नहीं मिल जाता 5 बार का विधायक, इसके लिए बहुत सारी जनता का प्यार चाहिए होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपने क्षेत्र की जनता को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित ही आज देश में, प्रदेश में योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है, और जनहित में जितने ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, और मैं भी अपनी सरकार की ताकत के दम पे अपने क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर हूँ और हमेशा उनकी चिंता में और उनके लिए काम करता रहता हूँ। पिछली बार की जो पोलिंग हुई थी, जहां तक मैं जान पा रहा हूं और जो आंकड़े मुझे मिले, 212,348 वोट आपकी विधानसभा सीट पर पड़े थे और आप 8,276 वोटों से, जो जानकारी मुझे मिल पाई है, अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा, 8,276 वोटों से चुनाव जीते। आपको लगता है कि क्या दबाव है अगली बार कुछ, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ना चाहिए, इसके लिए आपको और कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए? नहीं, देखिए, हम अपने क्षेत्र में लगातार वोटों को 5,000 से 7,000 हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है हमारा वोट जी, किंतु वो दूसरे दलों के वोट के विभाजन के अनुसार हार जीत का अंतर कम ज्यादा हो जाता है, किंतु हमारे वोट में कोई कमी नहीं है, हर चुनाव में हमारा वोट निरंतर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। चलिए श्याम प्रकाश जी, आप एवन हिंदुस्तान के साथ जुड़े, भवन की पंचायत में आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप लगातार दूसरी हैट्रिक लगाएं, आप 6ठी बार भी जनता आप पर प्यार बरसाए, और एक बार फिर से आपके साथ जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तब एक बार फिर से एक छोटी सी भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, 2-4 सवाल फिर लेंगे, और बहुत शुक्रिया आपका एवन हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए श्याम प्रकाश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरदोई की, उत्तर प्रदेश की हरदोई की गोपामऊ विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक श्याम प्रकाश जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर बेबाकी से अपनी जवाब दिए। उन्होंने मदरसों से लेकर और तमाम जो ज्वलंत विषय है समाज के उसको लेकर जवाब दिए। आपको यानी कि क्षेत्र की जनता को क्या लगता है, आप कितना संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है, इसको लेकर हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और अपनी सपोर्ट हम तक पहुंचाएगा। बाकी आप अपना बहुत ख्याल रखिए, पवन की पंचायत में अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपकी भेंट कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात, पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट, उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी बॉट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ एवन हिंदुस्तान पर।